नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर होगा शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापना। श्रावणी मेला के अवसर पर बिहार के स्टेशनों से स्पेशल ट्रेन का हो रहा संचालन। पथ निर्माण विभाग को प्रदेश के 250 पुलों की मिली रिपोर्ट। 10वीं रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा होने के बाद भी नहीं भरा गया आवेदन, तो प्राचार्य होंगे जिम्मेदार। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर अमित मिश्रा का बयान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। श्रावणी मेले के अवसर पर बिहार के स्टेशनों से स्पेशल ट्रेन का हो रहा संचालन। पूर्व मध्य रेल द्वारा श्रद्धालुओं के लिए श्रावणी मेला के अवसर पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में पटना और गया से मधुपुर के लिए, जयनगर से आसनसोल के लिए और रक्सौल और सरायगढ़ से देवघर के लिए एक एक जोड़ी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन शामिल है। इन ट्रेनों के समय सारिणी की बात करें तो गाड़ी संख्या 0326। पटना मधुपुर श्रावणी मेला स्पेशल 21 जुलाई से 20 अगस्त तक प्रतिदिन पटना से रात 11:10 पर खुलकर अगले दिन सुबह 4:10 पर जसीडीह होते हुए 4:50 पर मधुपुर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 03265 मधुपुर पटना श्रावणी मेला स्पेशल 22 जुलाई से 21 अगस्त तक प्रतिदिन मधुपुर से सुबह 5 बजे खुलकर 5:45 पर जसीडीह होते हुए सुबह 12:12 पटना जंक्शन पहुंचेगी। 10वीं रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा होने के बाद भी नहीं भरा गया आवेदन, तो प्राचार्य होंगे जिम्मेदार। स्कूल प्रशासन मैट्रिक में रजिस्ट्रेशन शुल्क तो जमा कर देता है, लेकिन बच्चों का आवेदन नहीं भरा जाता, जिस वजह से आवेदन की तिथि निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद फिर से जारी करने को कहा जाता है। लेकिन अब पंजीयन शुल्क जमा करने के बाद कोई स्कूल आवेदन नहीं करेगा तो उसके जिम्मेवार प्राचार्य ही होंगे। बाद में छात्रों का आवेदन स्वीकार नहीं होगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और स्कूल प्रशासन को बिहार बोर्ड ने ये बात कही है। ऐसा कहने के साथ ही इस सत्र में रजिस्ट्रेशन की तिथि को 29 जुलाई तक विस्तृत कर दिया गया है। पहले मैट्रिक के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून से 14 जुलाई तक निर्धारित थी। पथ निर्माण विभाग को प्रदेश के 250 पुलों की मिली रिपोर्ट। पथ निर्माण विभाग को 250 राज्य उच्च पथ और वृहद जिला पथ पर स्थित पुलों की रिपोर्ट मिली है। इस रिपोर्ट में पता चला है कि बड़ी संख्या में पुल ऐसे हैं जिसके एक्सपेंशन जॉइंट में समस्या है, बियरिंग टूट रहे हैं, साथ ही कई जगहों पर पुल की रेलिंग भी टूटी हुई है। एक दो जगहों पर पुल के पाए में भी समस्या मिली है। इन परेशानियों से बचने के लिए प्रदेश में करीब 9 पुलों की जाँच होगी। बड़े और छोटे दोनों पुलों का सर्वे किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग को जिन पुलों की रिपोर्ट मिली है उसमें ज्यादातर पुलों का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा करवाया गया है। पटना के 15 सीओ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच हुई कार्रवाई। पटना के 15 सीओ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बीच पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने सभी सीओ को शो कॉज जारी किया है, साथ इनके वेतन पर भी रोक लगा दी गई है। अभी हाल में ही विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा था कि कई सीओ के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। जिन 15 सीओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। जिलाधिकारी ने भी विभाग से जुड़े इस मामले की समीक्षा की है। इस दौरान उन्हें भी कई गड़बड़ियां मिली हैं, जिसके बाद 15 सीओ के खिलाफ ये एक्शन लिया गया। भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर होगा शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापना। शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापना राज्य के स्कूलों को 5 अलग अलग श्रेणियों में बांट कर किया जाएगा। स्कूलों का ये विभाजन भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर होगा, जिसमें शहरी, अर्ध शहरी, ग्रामीण, पहाड़ी और दियारा क्षेत्र शामिल हैं। पहाड़ी, दियारा और सुदूर के स्कूलों में 40 साल से कम उम्र वाले शिक्षकों को पदस्थापित किया जाएगा। इसके अलावा बीमार और महिला शिक्षकों के पदस्थापना व स्थानांतरण भौगोलिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना के लिए कमेटी का गठन हुआ है, जो इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रही है। इस कमेटी के अध्यक्ष शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव हैं। इन्होंने राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जहां शिक्षकों के पदस्थापना और स्थानांतरण को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान कई सुझाव सामने आए हैं, साथ ही कमेटी अध्यक्ष ने कई निर्देश भी दिए हैं। बिहार के इंजीनियरिंग छात्रों को निजी कंपनियों में इंटर्नशिप का नहीं मिल रहा मौका। बिहार, झारखंड और यूपी में इंजीनियरिंग छात्र करने वाले छात्रों को इंटर्नशिप में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इन छात्रों को इंटर्नशिप करने के मौके केवल सरकारी संस्थानों में ही मिल रहे हैं।
इन राज्यों में इंटर्नशिप संस्थानों के नाम पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के पोर्टल पर केवल नगर निगम और नगर पंचायत के नाम ही दर्ज हैं। वहीं दूसरे ऐसे कई राज्य हैं जहां इस पोर्टल पर कई निजी कंपनियों के नाम इंटर्नशिप के लिए दर्ज हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश और दक्षिण के राज्यों में बच्चे आसानी से निजी कंपनियों में भी इंटर्नशिप कर पा रहे हैं, लेकिन बिहार, यूपी, झारखंड में बच्चों को नगर निगम में भी इंटर्नशिप करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, जिससे छात्र परेशान हैं। आपको बता दें कि AICTE पोर्टल कोरोना के समय में छात्रों को इंटर्नशिप करवाने के लिए शुरू किया गया था। यहाँ देश के सभी राज्यों के बच्चों को कहाँ इंटर्नशिप दी जाएगी, इसका ब्यौरा दर्ज रहता है। शहीद CRPF जवान अजय कुमार झा पंचतत्व में हुए विलीन। CRPF जवान अजय कुमार झा मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए थे। बीते दिन उनके पार्थिव शरीर को हवाई जहाज से कोलकाता के रास्ते पटना लाया गया। पटना हवाई अड्डे पर आते ही सलामी दी गई, फिर पार्थिव शरीर को स्टेट हैंगर में रखा गया। यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य मंत्रियों ने इन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान CRPF के बिहार सेक्टर के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। फिर जवान के पार्थिव शरीर को उनके गांव मधुबनी ले जाया गया। गांव में हर तरफ मातम पसरा था। आज जवान का अंतिम संस्कार किया गया। 3 सरकारी शिक्षकों को अनुशासनहीनता के मामले में किया गया निलंबित। बिहार में 3 शिक्षकों को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित किया गया है। ये सभी शिक्षक अरवल जिले के कुर्था प्रखंड क्षेत्र स्थित मानिकपुर +2 उच्च विद्यालय में कार्यरत थे। निलंबित हुए शिक्षकों में BPSC माध्यमिक शिक्षक धनंजय कुमार, राजीव कुमार और चंदन कुमार का नाम शामिल है। इन शिक्षकों का निलंबन विभागीय कार्रवाई के अधीन हुआ है। ग्रामीणों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर इन शिक्षकों पर उचित तौर तरीके से पठन पाठन नहीं करने और छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। अपने किडनैपिंग की झूठी साजिश रचने वाले फर्जी RDO दीपक को पुलिस ने पकड़ा। बीते दिन सुबह 9:30 बजे के करीब में पटना के खुरुपुर में कोसी एक्सप्रेस में ग्रामीण विकास पदाधिकारी दीपक कुमार पाठक के किडनैपिंग की खबर सामने आई थी। किडनैपिंग का मामला सामने आने के 3 घंटे के बाद ही बख्तियारपुर जंक्शन के पास से एक होटल से रेल पुलिस ने दीपक को बरामद कर लिया। पुलिस ने जब जाँच की तब पता चला कि RDO दीपक ने खुद ही अपने किडनैपिंग की झूठी साजिश रची थी ताकि परिजनों को नौकरी के नाम पर गुमराह किया जा सके। दीपक बेगूसराय के तेघरा के अंबा का रहने वाला है। इसे अपने घर वालों के सामने 67वीं BPSC में सफल होने की झूठी कहानी रची और बताया कि उनका चयन RDO के लिए हुआ है। फिर किडनैपिंग की झूठी साजिश के दौरान उसने घर वालों को कहा कि वे इन किडनैपर्स को 3 लाख रुपये की फिरौती दे दें। इस दौरान दीपक ने प्लानिंग की थी कि वो 3 दिन होटल में रहता और फिर घर वालों को बताता कि ट्रेनिंग ज्वाइनिंग नहीं करने से BPSC ने उसका रिजल्ट रद्द कर दिया है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के कर्मियों के हड़ताल से आज भी बंद रहेंगे बैंक। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के कर्मियों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 2 दिन के लिए हड़ताल की घोषणा की थी, जिस वजह से कल भी बैंक बंद रहा और आज भी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के करीब 1078 शाखा बंद हैं। बैंक बंद होने से कामकाज पूरी तरह से ठप है। बैंक कर्मियों की 17 सूत्री मांग है। उन्होंने कहा है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वे दिल्ली कूच करेंगे। कर्मियों के मुताबिक दक्षिण बिहार के प्रबंधन में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसके विरोध में ये हड़ताल चल रहा है। कर्मियों ने प्रबंधन के सामने वार्ता का भी प्रस्ताव रखा था लेकिन उन्होंने इससे मना कर दिया। बैंक प्रॉफिट में होने के बाद भी कर्मियों की सुविधा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इनके ट्रांसफर नीति को इग्नोर किया जा रहा है। गलत तरीके से कई लोगों को प्रमोशन दिए जा रहे हैं। इससे विरोध में कर्मियों ने हड़ताल करने का फैसला किया। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने लक्ष्य किया निर्धारित। आज लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पटना में समीक्षा बैठक की। इस दौरान बिहार के सभी कांग्रेस जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल थे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारी मजबूत करने का प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने आह्वान किया है। कांग्रेस ने बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में 57 से भी ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दौरान अखिलेश सिंह ने कहा कि बिहार में जैसा परिणाम हम लोग चाहते थे वैसा नहीं हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनाव में परिणामों को और बेहतर करेंगे। VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की किसी ने ली निर्मम जान। इस वक्त VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की बेरहमी से किसी ने जान ले दी है। इस खबर के सामने आते ही पुलिस इस मामले में जांच में जुट चुकी है।
मामले को लेकर दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने एसआईटी का गठन किया है। गठित की गई एसआईटी की टीम ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा के नेतृत्व में काम करेगी। एसआईटी के रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। इस मामले के सामने आते ही नीतीश सरकार पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। झंझारपुर के पूर्व विधायक और लोकसभा चुनाव के बसपा के प्रत्याशी रहे गुलाब यादव के गांव लखनौर प्रखंड के गंगापुर स्थित आवास पर आज सुबह ईडी की टीम पहुंची, छापेमारी की। इस दौरान गुलाब यादव और उनका परिवार अपने आवास पर मौजूद नहीं था। गुलाब यादव के और भी कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है, जिसमें गुलाब यादव के पटना और पुणे के आवास भी शामिल है, जहाँ ईडी ने रेड किया। मिली जानकारी के मुताबिक गुलाब यादव के पैतृक आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश बंद कर दिया गया है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी के पिता की जान लेने के मामले में पूरे सियासी गलियारे में शोक की लहर है। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से नेताओं ने इस घटना की निंदा की है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मुकेश सैनी के पिता की जान लेने की सूचना से मैं अस्तबद्ध हूँ। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस मामले में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं राजद के सांसद मनोज झा ने कहा है कि इस घटना ने बिहार में कानून व्यवस्था की अराजक स्थिति को फिर से उजागर कर दिया है। सरकार लोगों के भरोसे से चलती है और वो शून्य सूचकांक पर है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर अमित मिश्रा का बयान। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर भारत के अनुभवी स्पिनर अमित मिश्रा ने बयान दिया है। अमित मिश्रा ने रोहित से विराट कोहली की तुलना की है। अमित मिश्रा ने कहा है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक क्रिकेटर के तौर पर मैं बहुत उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन अब उनके साथ पहले जैसा रिश्ता नहीं रख सकता। विराट के दोस्त कम क्यों हैं, उनके और रोहित के स्वभाव अलग अलग हैं। मैं आपको रोहित के बारे में सबसे अच्छी बात बताता हूँ। जब मैं उनसे पहली बार मिला था और आज जब मैं उनसे मिला हूँ तो वो बिल्कुल पहले जैसे ही हैं। तो क्या आप उनसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे या किसी ऐसे व्यक्ति से जो स्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जन के नाम है। रजनी सिंह, राजकिशोर महतो, संजीव कुमार, प्रमिला कुमारी, वरुण कुमार, मोहम्मद असगर कमाल, पूनम लता, रवि मोहन वर्मा, रमन कुमार, अमरजीत यादव, जितेंद्र कुमार सहनी, सादुल्ला पालवी, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद साकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।